चैनल मैं हूं रोनिक एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड 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 बेटा बेस्ट और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने अपनी सारी जो भी ईद की शॉपिंग है ना वो मीशो से ही कंप्लीट की है, ड्रेस से लेके हैंडबैग, क्लचेस, हील्स, सैंडल्स, ईच एंड ऑल एवरीथिंग मैंने मीशो से ही परचेज की है। और आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ कि आप भी इन सारी चीजों में से कुछ भी परचेज कर सकते हो विदाउट एनी सेकंड थॉट मेरे बताने के बाद। तो देखते हैं कि मैंने कौन कौन सी हील परचेज की है, लेकिन उसके पहले आप करोगे मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो क्या करो, ये मेरे इंस्टा की आईडी है। और अब स्टार्ट करते हैं। तो टोटल हमारे पास है 12 हील्स, तो बहुत ही क्विकली हम इन्हें देखेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा बयान नहीं करूंगी मैं, ठीक है। सबसे पहले जो हील मैंने परचेज की है वो है ये ट्रांसपेरेंट हील, जिसका मटेरियल है सिंथेटिक लेदर और इसका जो सोल मटेरियल है वो पीवीसी का है। ओके, तो इसके अंदर है बहुत ही प्यारी सी वो हील, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। गाइस, तो मैं बात कर रही हूँ ये वाली हील की, यही है वो ट्रांसपेरेंट हील जिसके आपको फ्रंट पे ऐसा कितने मजे का डायमंड वर्क किया हुआ है, आप चेक करो। वाओ यार, कितने मजे का डायमंड वर्क यहाँ पे किया हुआ है और ये कितना प्रिटी लग रहा है, अलग से ही शाइन मार रहे हैं इसके ये डायमंड। और अगर आप इसमें गौर से चेक करोगे ना तो इसके अंदर ना ग्लिटर पार्टिकल्स भी है, चमकी जिसे हम बोलते हैं, सिल्वर कलर की चमकी इसमें लगी हुई है। ये सच्ची बहुत प्यारा लग रहा है यार, गाइस चेक करो आप। और इसका जो सोल है वो यहाँ से काफी सॉफ्ट है, आप देखो। और सपोर्ट के लिए हमें यहाँ पे ये चीज दी गई है, तो ये है इसकी बहुत ही मजबूत सी हील और काफी ज्यादा हाइटेड है ये। ऐसी जो हील होती है ना वो ऑलराउंडर होती है, आपके हर एक ड्रेस पे चलेगी। देखो मेरा सिंपल सा एक फंडा है, मेरे पास ना सिर्फ 3 हील्स है, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन मैं 3 ही रखती हूँ, एक व्हाइट, ब्लैक और एक ट्रांसपेरेंट और ज्यादा से ज्यादा एक गोल्डन। ये जो 4 हील है ना ये आपके सालों साल तक चलेगी, आपको कोई और हील परचेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारे जो कलर्स है ना वो ऑलराउंडर है, वो आपके हर एक ड्रेस पे चलेंगे, ठीक है। और मुझे इसका पैटर्न, लुक, शुक सब कुछ बहुत पसंद आया, आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। मैं आपको उसका प्राइस बता देती हूँ, तो मैंने इसको परचेस किया था ₹602। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली। और आप देखते हैं हमारी नेक्स्ट हील। इसके बाद मैंने परचेस की है ये ट्रेंडी हील सैंडल फॉर वुमेन एंड गर्ल, मटेरियल इसका वेलवेट है और इसका जो सोल मटेरियल है वो रेजिन का है। तो ये रही हमारी वो प्यारी सी ब्लैक कलर की हील, अभी ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। कितनी ज्यादा क्लासिक लग रही है ये, मुझे नहीं पता था ये इतनी प्यारी आने वाली है। आप खुद इसका डिजाइन चेक करो, इसका पैटर्न चेक करो, यहाँ पे आपको छोटे छोटे से जैसे अमेरिकन स्टोन होते हैं ना वैसे यहाँ पे स्टोन की एम्ब्रॉयडरी, क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं ना, स्टोन की एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे आपको मिलती है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी हील है और मुझे इतनी हील ही पसंद आती है, इससे ज्यादा की हील मुझे पहनी नहीं जाती, मैं लड़खड़ाने लगती हूँ तुरंत और बोलो तो कभी गिर भी जाऊँ। तो इसका पैटर्न एंड ऑल सब कुछ मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, वेलवेटी इसका मटेरियल है, यहाँ पे भी आपको वेलवेट का मटेरियल ही लगा के मिलता है, प्लस यहाँ पे ऊपर भी ना हल्की सी लाइनिंग दी गई है वेलवेट की। कोई भी इसे देख के ये नहीं बोलेगा कि आपने इसे किसी अच्छे ब्रांड से परचेस नहीं किया है, इसका ब्रांड है गुलमोहर। वेयर करने में भी ये काफी कंफर्टेबल थी, पैर अच्छे से रुक रहा था, जम रहा था, नहीं तो बहुत सी हील के साथ कैसा होता है ना कि पैर डालते थोड़ा सा चलो तो वो ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, मेरे साथ तो होता है, शायद मेरे पैरी तेड़े हो। तो मैंने इसको परचेस किया था इन ₹426, विच इज वर्थ, सच्ची में ये वर्थ है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली। और अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट हील। इसके बाद मैंने परचेस की है ये सब बैक लो कैशुअल हील स्लीपर फॉर वुमेन एंड गर्ल, और इसका जो मटेरियल है वो है सिंथेटिक लेदर और इसका जो सोल मटेरियल है वो है नियो लाइट पैटर्न, इसका सॉलिड है। इसमें आपको टोटल ना कितने कलर मिलते हैं, 4 कलर मिलते हैं, एक गोल्डन कलर मेरे पास है, उसके बाद पिंक, ब्लैक एंड लाइट ब्लू कलर आपको और इसमें मिलता है, ठीक है। तो इसमें है हमारी प्यारी सी सब बैक हील, अभी आपको दिखाती हूँ। और ये देखो ये हल्का हल्का सा ना होलोग्राफिक पैटर्न टाइप में है, अगर आप देखोगे कैसा शाइन मार रहा है ये, एकदम होलोग्राफिक टाइप में है ना। तो हमारी हील का पैटर्न कुछ ऐसा है जो कि काफी कंफर्टेबल है वेयर करने में, तो बहुत ही क्यूट एंड क्लासिक पैटर्न इसका। यहाँ पे आपको ये क्या मिला यार, कुछ भी नहीं है, बस गोल्डन कलर की ऐसी बीड्स यहाँ पे लगी हुई है जो काफी अच्छी लग रही है दोनों साइड पे। इसकी जो हील है वो 1.5 इंच से भी कम है, तो ये बहुत कंफर्टेबल रहने वाली है, प्यारी लग रही है यार, है ना, यहाँ से देखो आप, ठीक है। जैसे ही इस पे लाइट पड़ रही है ना इस पे होलोग्राफिक इफेक्ट हो जा रहा है ना। मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ, तो मैंने इसको ऑर्डर किया था इन एंड ओनली ₹326, विच इज वर्थ। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली। और अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट हील। इसके बाद मैंने परचेस की है ये गॉर्जियस वुमेन हील, मटेरियल इसका सिंथेटिक है, सोल मटेरियल इसका पीवीसी है, ठीक है। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी और अभी आप भी देखो आपको भी प्यारी लगेगी। तो ये है हमारी गॉर्जियस हील, वुमेन हील, कितने गजब का पैटर्न है यार,
ऐसे पैटर्न हर एक ड्रेस पे चलते हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन हो। बहुत ही ज्यादा क्लासी सा पैटर्न है इसका, और ऐसे कलर भी ऑलराउंडर होते हैं, हर एक ड्रेस पे हर एक सूट पे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सिंथेटिक लेदर यूज हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो ये काफी कंफर्टेबल रहने वाली है वेयर करने में। इसकी हील देखो यार, बहुत ही लंबी बहुत ही ज्यादा हील है इसकी, ये देखो आप। और हील की वजह से ना ये काफी डिसेंडिंग सी हो गई है यहाँ से, लेकिन ये काफी अच्छी लग रही है मुझे। इसका ये वाला पैटर्न भी काफी पसंद आया, और आप इसको ना ऐसे बैक साइड से टाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसे ऑर्डर किया था इन ₹529। सोचो आप, अगर आप ऐसी हील किसी ब्रांड से परचेस करोगे ना, तो आपके 3 से 4 हज़ार रुपए कहीं नहीं गए। इसके बाद मैंने परचेस की है ये ऑग एंकल स्ट्रैप रेड हील। इसकी जो हील हाइट है वो है 3 इंचेस, और इसका जो टाइप है वो है ब्लॉक हील, कोन हील, स्पूल हील, कॉमा हील, पेंसिल हील, स्लिम हील, कम्फर्ट हील, किटन हील। कौन कौन सी हील है यार ये। और मैंने परचेस किया है बहुत ही मजे का चटक रेड कलर। वाओ, मेरे पास ना कभी भी ऐसे रेड कलर की हील थी ही नहीं, और जो ऐसी हील होती है वो मुझे काफी पसंद आती है, क्योंकि इसका विड्थ देखो आप कितना चौड़ा है, तो आपको आराम से अच्छा खासा बैलेंस मिल जाएगा। ये प्रॉपर ऐसा रेड कलर नहीं है, लेकिन रेड विद वेलवेट का कॉम्बिनेशन इज समथिंग ऑन नेक्स्ट लेवल। आप खुद देखो कितना मजे का लग रहा है यार ये। तो ये देखो कुछ ऐसा पैटर्न है इसका, एकदम बॉसी लेडी वाला। ऐसी जो हील्स होती है ना, वो ब्लेजर एंड पैंट्स पे भी काफी मजे की लगती है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक सपोर्ट मिलता है ये देखो आप, और उसके बाद आप इसको यहाँ से टाइट, ढीला, शीला सब कुछ कर सकते हो। और ये जो सोल का लेदर है ये भी काफी सॉफ्ट है, तो ये काफी कंफर्टेबल होने वाली है वेयर करने में। तो मैंने इसको परचेस किया था इन ₹668 ओनली, विच इज सुपर्ब। तो डील को नजरअंदाज ना करें और आप इसे जरूर परचेस करना, ठीक है। और अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट हील। इसके बाद मैंने परचेस की है ये रेट्रो वॉक फैशनेबल पेंसिल हील फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। ओके, इसका जो मटेरियल है वो है सिंथेटिक लेदर, और इसका जो सोल मटेरियल है वो है रेजिन। और ये रही हमारी प्यारी सी हील, कितना ज्यादा डिलाइटफुल सा लेवेंडर कलर है, आप चेक करो। प्लस इसका पैटर्न आप देखो, ये बो वाला पैटर्न आपको यहाँ पे मिलता है, जो हील्स में ऐसा ये निकला रहता है ना ट्रायंगल, मुझे ये काफी अच्छा लगता है। बहुत ही फंकी लगने वाली है वियर करने के बाद। ऐसी जो हील्स होती है ना, ये भी ऑलराउंडर होती है, ये आपके इंडियन, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न हर एक ड्रेस पे सूट करती है ये, ठीक है। ये जो हील का इतना प्यारा कलर है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई इसे बिना नोटिस किए रह जाए। मैं आपको सच बता रही हूँ, हर कोई नोटिस करेगा जब आप इसको पहन के निकलोगे। इसके हील देख लेते हैं, तो ये देखो आप, ये है पेंसिल हील। अगर किसी को पड़ जाए ना ये हील से जहां भी पड़ेगी ना होल हो जाएगा। तो बहुत ही मजबूत सी हमें ये पेंसिल हील मिलती है, और इसका जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा है, ये देखो आप। सो बैक साइड से ये हील्स कुछ ऐसी दिखती है, मजेदार, कड़ाकेदार है ना। ये मुझे मिली थी सिर्फ और सिर्फ ₹469 में। तो अगर आप इन हील्स को परचेस करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली। और आप देखते हैं हमारी नेक्स्ट हील। इसके बाद मैंने परचेस की है ये स्टाइलिश पॉइंटेड टो गोल्डन बेलीज फॉर वुमेन। पैटर्न इसका टेक्सचर्ड है, तो ये रही हमारी प्यारी सी बेलीज, और इसमें कोई भी हील शील नहीं है, लेकिन जैसी भी है ना मजेदार है। ओके, सो लुक एट दिस, ये है हमारी क्यूट सी बेलीज। मैंने ऐसी बेलीज ना कैट वॉक में देखी थी, उसका प्राइस था कुछ ₹4,000, और भी ज्यादा ही होगा डिस्काउंट करने के बाद, 4,000 था वहाँ पे। पहले तो आप इसका पैटर्न चेक करो, कलर चेक करो यार, कितना मजे का लग रहा है। गाइज, डिटेलिंग में जो इन लोगों ने ये 55 तोले की चेन यहाँ पे लगाई है ना दोनों में, उसके तो क्या ही कह रहे हैं, बहुत ही मजे के लग रहे हैं। तो सचमुच इसका जो पैटर्न है ना वो टेक्सचर्ड है, आप अगर इसको टच करोगे ना तो आपको खुद फील होगा कुछ तो है यहाँ पे। गाइज, इसका सोल काफी सॉफ्ट है यार, और बैक साइड से ये कुछ ऐसी दिखती है, मुझे तो ये काफी पसंद आ रही है। और इसका जो ब्रांड है वो शूटोपिया से है, मैंने नायका में भी शूटोपिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं। तो मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ, मैंने इसको परचेस किया था इन एंड ओनली ₹447, विच इज वर्थ। और अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट हील। इसके बाद मैंने परचेस की है ये शूटोपिया स्टाइलिश गोल्डन चिक पर्म्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। मटेरियल इसका सिंथेटिक है, सोल मटेरियल है इसका TPR, ये क्या होता है मुझे नहीं पता। ओके, सो लुक एट दिस, इसकी बात कर रही हूँ मैं, इन पंप्स की बात कर रही हूँ, ये देखो आप। अगर आपकी हाइट आपको लगता है थोड़ी सी कम है, मतलब 5 के अंडर है, तो आप ऐसे पंप्स यूज कर सकते हो, क्योंकि ये काफी कंफर्टेबल रहते हैं वेयर करने में। बिकॉज ये देखो आप, फ्रंट एंड बैक दोनों जगह पे आपको सेम हील मिलती है, तो डगमगाने का कोई सीन ही नहीं है, गिरने का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। वैसे अभी आप इसका पैटर्न चेक करो यार, ये कितनी प्यारी है। मुझे ना ऐसे पंप्स इतने पसंद आते हैं, लेकिन मैं पहन नहीं पाती हूँ, होने के बाद भी पहन नहीं पाती हूँ, वही अपनी एक घिसी पिटी सी स्लीपर में घूमती रहती हूँ बस। इसका मटेरियल काफी सही है, सॉफ्ट है, और एकदम मतलब जैसा होना चाहिए ना वैसा है। यहाँ पे आपको मजे का सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ से आप इसको लूज टाइट हर चीज कर सकते हो। और ये देखो आप, मुझे इसका ये बहुत प्यारा लगा। अगर ये गौर से आप चेक करोगे ना, यहाँ पे डॉट डॉट से बने हुए
है ना। और फ्रंट से इसका लुक कुछ ऐसा दिखेगा। इसका जो सोल है वो भी काफी सॉफ्ट है, तो पहनने में ये काफी कंफर्टेबल रहने वाली है। मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ, इसका प्राइस हल्का सा ज्यादा है लेकिन वर्थ है। तो मैंने इसको ऑर्डर किया था इन ₹1485, 1500 ही आप पकड़ के चलो। तो गाइज अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो विदाउट एनी सेकंड थॉट। और आप देखते हैं हमारी नेक्स्ट हील। इसके बाद मैंने परचेज की थी ये IVA 17 वुमेन्स फैशन सैंडल, कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश फॉर कैजुअल वेयर एंड फॉर्मल वेयर। 3 inches हील आपको इसे मिलती है। मटेरियल इसका PU है और इसका जो सोल मटेरियल है वो रबर का है। ओके, तो इसमें है हमारी ये प्यारी सी हील्स, आप चेक करो। वाओ, इसका कलर देखो आप। सबसे पहले आप इसका पैटर्न चेक करो यार, ये देखो आप कितने मजे का पैटर्न है ये, एकदम मतलब बहुत अच्छा लग रहा है पता नहीं क्यों। उसके बाद बात करते हैं ये मटेरियल की। ये इतना सॉफ्ट है कि आप जब इसको वेयर करोगे ना तो मुझे लग रहा है कि आपको फील भी नहीं होने वाला है कि आपके पैर पे कुछ है या नहीं है। तो ये कुछ ऐसे पैटर्न में हमें रिसीव हुई है जो कि अगेन बहुत अच्छी लगती है। और ये इसकी हील है 3 inches हील लिखा था लेकिन मुझे नहीं लगता कि 3 inch है, नहीं 3 inch ही है। ठीक है, काफी मजबूत मटेरियल है, प्लस इसका जो ये सोल है ये भी काफी सॉफ्ट है, तो वेयर करने में ये बहुत कंफर्टेबल होने वाला है। यहाँ पे जो स्ट्रैंड्स है इसको आप फिट करके आराम से पहन सकते हो अपने साइज में एडजस्ट करके। इसका जो ब्रांड है ना इसका नाम है पर्पल हंट। कैजुअल वेयर, फॉर्मल वेयर, हर एक टाइप पे ये सूट करने वाली है। तो कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है यार। इसमें ना एक और कलर ऑप्शन है विच इज बेज कलर, तो आप इसको आराम से परचेस कर सकते हो। गाइज मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ, मैंने इसको ऑर्डर किया था इन एन ओनली ₹570। सोचो आप खुद सोचो, मैं तो कुछ बोलूंगी नहीं। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली विदाउट एनी सेकंड थॉट कर सकते हो। और अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट हील। इसके बाद मैंने ऑर्डर की है ये वुमेन हील सैंडल। मटेरियल इसका सिंथेटिक है, सोल मटेरियल भी इसका सिंथेटिक है। ठीक है, पैटर्न है इसका ट्रांसपेरेंट। और ये रही वो हमारी मजे की हील, आप चेक करो, लुक एट दिस। वाओ गाइस, तो आपको बहुत ही प्यारा ये स्क्रंचीज वाला पैटर्न देखने को मिलता है। कितना सॉफ्ट है यार ये, वाओ। इसमें लगा हुआ है सैटन का फैब्रिक। और ऐसी जो हील्स होती है ना उन्हें आप बहुत ही संभाल के वेयर करना, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी गीले हो जाएंगे। ठीक है, और आप इसको वाइप करोगे तो वो फैल जाएगा, तो इसका एक ही डर होता है, बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और आपको इसमें ये ट्रांसपेरेंट हील मिलती है, ये देखो आप, हील ही ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहाँ पे इसका जो ये सपोर्ट के लिए दिया गया ना पट्टा, ये भी ट्रांसपेरेंट है और ये काफी अच्छा लग रहा है। व्हाइट प्लस ट्रांसपेरेंट इज इक्वल टू एक्सीलेंट। इसमें हमें मिली है ये 4 inch की हील। और मैंने आपको बताया है कि ट्रांसपेरेंट हील्स ऑलराउंडर होती है, आप इन्हें हर एक आउटफिट पे वेयर कर सकते हो, फॉर्मल, कैजुअल, इंडियन, इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न, जैसा चाहिए वैसा आप इसको पेयर कर सकते हो, हर एक ड्रेस पे ये सूट करेगी। ठीक है, तो इसमें हमें मिलता है सिंथेटिक सोल विच इज अगेन कम्फर्टेबल। तो कुछ ऐसा पैटर्न है इसका, स्क्रंचीज वाला आगे से है, आप चेक करो, काफी अच्छी लगेगी वेयर करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और क्या और कुछ नहीं, बैक साइड से कुछ ऐसा दिखता है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ, तो मैंने इसको ऑर्डर किया था इन ₹448 ओनली। गाइज अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो ना तो विदाउट एनी सेकंड थॉट परचेस कर सकते हो। और अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट हील। इसके बाद मैंने परचेस की थी ये कैजुअल बोज हील। मटेरियल है इसका सिंथेटिक, सोल मटेरियल यहाँ पे दिया नहीं गया है, अदर लिखा हुआ है। और आप इसकी खूबसूरती चेक करो, फोटो में ये इतनी अच्छी लग रही है तो मैं आपको रियल में दिखा देती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका पैटर्न ना कुछ अलग सा है। जो फोटो में दिखाया गया है ना उससे थोड़ा सा अलग पैटर्न हमें रिसीव हुआ है, आप ये चेक करो। आपको फ्रंट पे ऐसा बो लगा के मिलता है लेकिन फोटो में ना कहीं पे भी ये नहीं था, जो इतना बड़ा इन लोगों ने दिया है, पता नहीं कहाँ बांधना है इसको। लेकिन कोई बात नहीं, पैटर्न लगभग बिल्कुल सेम है, आपको ये बो हील्स में कुछ मिलता है। तो यहाँ पे हमें मिलता है ऐसा बो और आपको ये मिला है, ये पता नहीं कैसे बंधेगा, आप चेक करो, मैं इसको वेयर करके दिखा रही हूँ। साथ में हम इसकी हील चेक करेंगे, तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल सी 2 inch की हील इसमें मिलती है। और हील का जो वो देना ये भी काफी अच्छा है, बड़ा है, चीज भले ही डिफरेंट रिसीव हुई है लेकिन अच्छी रिसीव हुई है, आप ये देखो। क्वालिटी वाइज मुझे काफी प्यारी लगी, आप इसको बैक साइड से चेक करो, तो बैक साइड से ये हील कुछ ऐसी दिखती है। ये जो इसका बेज कलर है ना ये मुझे काफी प्यारा एंड अट्रैक्टिव सा लगा। मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। तो मैंने इसको ऑर्डर किया है इन एंड ओनली ₹381। वाओ, तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली। और अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट हील, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज है ही नहीं। खत्म हो गई है गाइस। तो यही था मेरा आज का वीडियो मीशो के इतनी सारी मजेदार, क्लासी, ब्यूटीफुल, एलिगेंट, डिलाइटफुल हील्स के ऊपर, हील्स के ऊपर नहीं, हील्स पे। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो डू लाइक इट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड गाइस।